শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতার মহেশতলা থানার পুলিশ পালান ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় দুটি কারখানায় হানা দিয়ে দুটি নামী কোম্পানির লোগো ব্যবহার করে সিমেন্ট এবং ওয়ালপুটি প্রস্তুতকারী সংস্থার হদিশ পায়। মুম্বাই স্থিত ওই সংস্থার কর্মীরা শনিবার রাতে মহেশতলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ওই স্থানে হানা দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার নকল দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওই কারখানার মালিক সহ বেশ কয়েকজন কর্মীকে আটক করেছে। हमलोग आदित्य बिरला ग्रुप के बिरला वाइट सीमेंट डिवीजन से मुंबई से लीगल डिपार्टमेंट से हैं और हमारा एजेंसी है टॉर्क डिटेक्टिव्स। हमें ये कंप्लेंट मिला था मुंबई हेड ऑफिस से कि यहाँ पे आपके एरिया में डुप्लीकेट सीमेंट बना रहा है जिसपे बिरला का नाम लिख के पब्लिक के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। उस सिलसिले में आज हम आके यहाँ पे मिले पुलिस से और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया पालन इंडस्ट्रियल एरिया में दो तीन कंपनियों पे रेड हुआ है जहाँ से बहुत सारा नकली और बिरला लिखा हुआ नकली माल मिला जो कि बहुत क्वालिटी उसका बहुत खराब है। आप लोगों ने लिखित स्तर पे दर्ज किया है? जी 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 जी, अभी लिखा जा रहा है, अभी तो फर्द बन रही है, माल की सीजरिंग हो रही है और बिल्कुल मुकदमा लिखा जा रहा है। कोई अरेस्ट हुआ है क्या? कई लोग हैं, बहुत सारे दोनों कंपनी के मैनेजर हैं, मालिक हैं और लेबर्स हैं। अभी तो बाकी के प्रोसीजर में के बाद पता चलेगा कि कितने लोग अरेस्ट। तो कंपनी के लोग बोल रहे हैं कि उनके पास वाउचर है वगैरह सब कुछ है। उनके पास वाउचर है उनका अपना माल बनाने का, ना कि बिरला वाइट बनाने का। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो लोकल लोग है, अगर वो बिरला वाइट खरीद रहे हैं, अगर वो नकली है तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये नकली है, क्योंकि हूबहू उन्होंने बिरला वाइट का लोगो लिख के रखा हुआ है। तो ये यहाँ के जनता के साथ धोखा हो रहा है। तो आप लोगों का शिकायत है लोगो यूज करने से? जी जी बिल्कुल, बिरला वाइट का नाम अगर लिखेंगे वो अपना माल बना रहे हैं तो लोगों को तो लगेगा कि बिरला का माल है, जबकि वो बिरला का माल नहीं है, वो खराब माल है। वो दो महीने चार महीने में खराब हो जाएगा, आदमी का घर खराब होगा, उसका नुकसान होगा। तो इस तरह से पब्लिक को आप मुंबई से हैं? जी हम लोग मुंबई में। आपको पता कैसे चला कि इधर यहाँ से कंप्लेंट हमारे हेड ऑफिस में गई थी, हेड ऑफिस के थ्रू फिर हमारे पास कंप्लेंट आई थी। हमने आके यहाँ की कंपनी चेक किया तो पता चला कि वहाँ पे वो लोग डुप्लीकेट बना रहे। कोलकाता के रिया घोष, रिपोर्ट आनंद बार्ता।